गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और हर संडे की तरह इस संडे भी हमारी सुबह की शुरुआत हुई है पराठों से। आज हमने बनाए हैं मेथी के पराठे और मम्मी कर रही हैं भगवान जी की पूजा। नोनू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो नोनू बहुत ध्यान से कर रहा है अपनी रिवीजन, और डॉक्टर ने पापा का बीपी मॉनिटर करने के लिए बोला है सुबह शाम दोनों टाइम, और नोटिस करने के लिए बोला है जो भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो घर पे ही मॉनिटर कर रहे हैं पापा का बीपी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और नीचे का सब काम खत्म करके हम आ गए हैं ऊपर दोनों बच्चों को लेके। सुनो, हेलो करो गाइस को। सुनो, हेलो करो। हेलो गाइस। ऐसा सेलिब्रिटी की तरह हेलो करता है ये, मोदी जी की तरह। नोनू के चल रहे हैं एग्जाम्स तो नोनू को मैं लेके आई हूँ, थोड़ा इसको पढ़ाऊंगी क्योंकि इसको जाना है ट्यूशन आज संडे। फिर भी बेचारे की छुट्टी नहीं है, क्या करें, एग्जाम है इसके 22 तारीख को खत्म हो जाएंगे, उसके बाद छुट्टियां पड़ेंगी तो मस्ती काटेगा। 24th को खत्म होंगे, 24th को खत्म होंगे इसके एग्जाम और उसके बाद पड़ जाएंगी छुट्टियां। भाई के बेटा सुन ले, और आज 18 तारीख है, और आज 18 तारीख है, 18 तारीख है। सब रिपीट करेगा, नोनू कुछ भी बोल दे वो इसको रिपीट जरूर करनी है। नोनू चलो बेटा पढ़ाई करो, चलो जब व्हाइट बोर्ड ले आओ, मैं तुम्हें डिक्टेशन बोलती हूँ। अभी मैं इसको एक बार रिवीजन कराऊंगी क्योंकि 2 बजे ये जाएगा ट्यूशन, तो अभी टाइम है, तो तब तक ये एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेगा, एक बार ट्यूशन में कर लेगा, तो इसको चीज़ें पक्की हो जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं करूँगी यहाँ का काम। और आज संडे है तो मैंने अपना टारगेट रखा था संडे को Q&A वीडियोज़ का, तो 3, 3.5 से 4 के बीच में मुझे वीडियो डालनी है। और एक मजे की बात बताऊँ आपको, वो Q&A वीडियो मैंने अभी तक शूट भी नहीं किया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं फटाफट काम निपटा के नहा के तैयार होके वो वीडियो शूट करके एडिट करके पब्लिश कर दूंगी। कोशिश पूरी रहेगी 3 से 4 के बीच में वीडियो डालने की। उसके बाद मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि तब तक पहले आज की वीडियो निपटा लूं, ये ब्लॉग तो कल आएगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 4:30 और मेरी Q&A वीडियो बन गई है, एडिट भी हो गई है, अपलोड भी हो गई है, सारा काम भी खत्म हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे कुछ पेट पूजा करने, तो चलो चलते हैं, चेंज करते हैं और नीचे चलते हैं अब वापस से। संडे का दिन भी पूरा ऐसे चला जाता है ना कि बिल्कुल मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। असल में संडे को उठते लेट है ना, वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है। अगर टाइम से उठ जाए ना तो संडे कितना बड़ा होता है, लेकिन सोने के लिए भी तो एक ही दिन मिलता है ना, नींद भी पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट उठो ऐसा एक्चुअल में होता है, अगर 10 मिनट पहले उठ जाओ ना तो काम ऐसे ख़त्म हो जाएगा जैसे 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया, और अगर 10 मिनट लेट हो जाओ तो वही 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा काम। तो कितना फ़र्क पड़ जाता है ना सुबह की 10 मिनट का। तो चलो अब मैं फटाफट से चेंज करके जा रही हूँ नीचे। मैं आज ये कुछ अलग सा बन रहा है, क्या बना रही हूँ मम्मी? ये बिना आटा गूंदे आलू के पराठे। बिना आटा गूंदे आलू के पराठे, तो आटा डाला ही नहीं इसमें, किस चीज़ के हैं ये? आलू के और सूजी के। सूजी का पहले उपमा बना के, उपमा बनाया ना पहले, सूजी का उपमा बना के अब उसमें आलू मिक्स करके राई डाली, जीरा डाला, घी डाली तेल में, और फिर उसमें सूजी भूनी थोड़ी सी, फिर उसमें हरा धनिया डाल के, हरी मिर्च डाल के, पानी डाल के पका दिया। आलू अलग से उबाले, अब आलू मिला दिए इसमें, और ये देखो ऐसा पराठा बनेगा इसका, क्रिस्पी क्रिस्पी सा यम्मी। टूट गया, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, पलट रही थी मैं इसको। मैंने भी, मेरे से खाली टूट रहे, उसमें पलटे से किया ना मैंने, ऐसे हाथ से किया, पलटे से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैंने मेरा पराठा तोड़ दिया, ये देखो मैंने पराठा मेरा पराठा तोड़ दिया इसने, बताओ। सजा दी जाएगी अब मुझे, मुझे सजा में एक पराठा। अब मुझे सजा मिलेगी, सजा में मुझे एक पराठा एक्स्ट्रा मिलेगा। सजा नहीं मिलेगी, मैं लाल रखे कुछ पराठा खिलाऊंगी। सजा में एक पराठा एक्स्ट्रा मिलेगा, वही तो बोल रही हूँ। नोनू जी तुमने खाया, तुमने खाया पराठा मम्मी ने जो बनाया, कैसा लगा तुम्हें जो मम्मी ने बना के दिया था अभी? और ये देखो, ये मेरा व्लॉग अब देख रहा है 3 दिन पहले का। ऊपर अभी हुए हैं 5:30 और नीचे सोच रही हूँ आज जल्दी चली जाऊंगी 6:30 बजे तक। तो
डिनर भी बनाना है, आज राजमा चावल बनेंगे, तो टाइम लगता है राजमा छोले वगैरह बनने में। तो अभी एक घंटा मैं फ्री हूँ, नूनू को भी बोल के आई हूँ कि आजा नूनू बेटा तेरे को पढ़ा देती हूँ, लेकिन वो सुबह से ना पढ़ रहा है तो वो अभी आएगा नहीं। वो अभी क्योंकि सुबह से मैंने उसको रिवाइज़ कराया, फिर ऊपर ला के रिवाइज़ करवाया, डिक्टेशन बोली, फिर ट्यूशन गया, और ट्यूशन से आके अब वो बिल्कुल फेडअप हो चुका है पढ़ पढ़ के, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। और फिर मैंने सोचा कि अपनी एक आध वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, दो तीन दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, तो अभी मैं डेली की वीडियो बनाती हूँ, डेली एडिट करके सेम डे डालती हूँ, तो थोड़ा सा होश पोछ हो जाता है, बट कोई नहीं, जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं। और सोचा था मैंने कि वीडियो बना लूँगी, लेकिन आज फिर से हमारे यहाँ पे शोर हो रहा है, जो सामने काम चल रहा है उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी देखो एक घंटा सोच रही हूँ क्या करूँ। तो चलो अभी मेरे पास एक घंटा है, तो मैं बिग बॉस का एक एपिसोड देख लेती हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक घंटा है तो उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा मुझे, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी, तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी बिग बॉस देख के। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। एंड वी आर बैक टू किचन, और एफ्टर टाइम मैं ऊपर गई थी, और ऊपर जाके मेरी आंख लग गई थी, मैंने आधे घंटे की झपकी ले ली, और अब मेरा आलस नहीं उतर रहा, मेरा मन कर रहा था और सो जाऊं, पर आज डिनर बनाने की ड्यूटी मेरी है। आज बना रही हूँ मैं राजमा चावल, तो पहले मैं एफ्रेश पी लूँ। राजमा मैंने चढ़ा दिया है, और ये नीतू काट रही है सुबह के लिए सब्जी, फूट गई आंख इसमें भी, इसकी बेचारी की आंसू आ रहे हैं प्याज काट काट के। रो मत, मत रो, ऐसे नहीं रोते, रोऊंगी, गद्दे बच्चे रोते हैं, रोऊंगी, रो लेते हैं। उल्टी है ये भी, जब से बोले जा रही हूँ मत रो, रोऊंगी, मैं रो ले तो बात के दिखा रही हूँ, मुझे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ब्रो। डिनर नहीं बनाना होता तो मैं कितने अच्छे से सोती रहती, बहुत अच्छी नींद आई थी मुझे। कोई नहीं, अब डिनर बनाएंगे, खा पी के जाऊंगी, और फिर मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक झपकी ले ली, अब मेरी नींद रात को लेट आएगी अब मुझे। ये ड्राई फ्रूट का डब्बा रोस्टेड नट्स का, दिवाली पे आया था हमारे यहाँ, और इसे रख के हम भूल गए थे, आज सामान निकाला है, आज खोला है ये हमने, देखो कितने क्यूट से दिए हैं इसके अंदर। और ये भी है फूल, ये ले तुम्हारे लिए मैं फूल लाई हूँ, दिस इज फॉर यू, इसे अपने बालों में लगा लो गजरा बना के, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। और हमला बोल दिया गया है डब्बे पे, और सोना की ना लड़ाई हो गई दोनों की, और सोना गुस्सा होके ना अंदर चला गया, नूनू ने देखो क्या करा है, नूनू चल दिखा के लाइयो क्या करा तूने। मुझे आगे बता रहा है कि मम्मा मैंने क्या करा, देखो इसने यहाँ से नीचे से ना, इसने नीचे से एक पार्सल किया है, खोलने तो दे तभी पार्सल देखेगा तुम्हारा, मैं खुलवाती हूँ, इसने पार्सल भेजा है अंदर उसके लिए, खोल नूनू, सोना खोल, पार्सल तो ऐसे भेजा है जैसे वो पढ़ लेगा इसका पार्सल, देखेंगे, मैं देखना चाहती हूँ इसने क्या लिखा उसमें, देखो मुझे देखो पूरा जोर लगा रहा है, ओए पूरा जोर लगा रहा है, हिल नहीं रही इससे मैं, क्योंकि मैंने ये पकड़ रखा है। माँ हूँ ना इसकी, स्मार्ट हूँ, ये लो बेटा, जब भी ना हिला पाएगा दोनों गिर जाएंगे मोटू, गिरा इसको देखते हम क्या लिखा है इसने, इसने लेटर लिखा है, लेट सी इसने क्या लिखा है। बच्ची मैं, राइटिंग देखो कितनी गंदी है सी, बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, किया गलत लिखा तुमने, तू बिना बिना भी गलत लिखा है, मतलब के रोया है, दरवाजा खोल, ये दरवाजा खोलने के लिए धमकी दी गई है उसको, जैसे कि उसको पढ़ना आता है, वो पढ़ लेगा और दरवाजा खोल देगा इसके लिए। अरे नोनू, बच्चों के भी तमाशे अलग ही हैं, तुमने जो जो वर्ड्स गलत लिखे हैं ना सही करके लिखो 5 टाइम्स, बिना गलत लिखा है
दिखाओ, मैं बताती हूँ क्या क्या लिखा है। फाड़ना नहीं है, सही से लिखो। गलत लिख रहे हो मतलब। राजमा और चावल दोनों बन के रेडी हो गए हैं और रोटी बनेगी सिर्फ नीतू के लिए, क्योंकि नीतू नहीं खाती राजमा चावल। काम सब हो गया है खत्म और अब हम जा रहे हैं ऊपर सोने, क्योंकि कल मंडे है, स्कूल भी है, ऑफिस भी है सबका। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।